कांग्रेस के साहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। मैं कांग्रेस को अलर्ट करना चाहता हूं, ये मंसूबे छोड़ दीजिए, मोदी जिंदा है। कांग्रेस वाले कहते हैं आपने जो बचाया है, अगर आप अपने बच्चों को अब नहीं दे सकते हैं, अपनी वोट बैंक को बांटने के लिए ये आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहते हैं। कांग्रेस के साहजादे आजकल घोषणा कर रहे हैं और भाई बहन दोनों कर रहे हैं कि वो चुनाव अगर जीत गए तो पूरे देश का एक्सरे करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे किया जाएगा, बैंक के लॉकर का एक्सरे किया जाएगा, आपकी जमीन कितनी है एक्सरे होगा, आपके पास गाड़ी कितनी है, स्कूटर कितने हैं, साइकिल कितनी है, इसका एक्सरे होगा, महिलाओं के पास स्त्री धन कितना है, गहने कितने हैं, सोना कितना है, मंगलसूत्र कहां पड़ा है, इसका एक्सरे किया जाएगा। यानी ये लोग हर घर में छापा मारकर आपकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। आपकी संपत्ति पर कब्जा करने के बाद कांग्रेस इसे रीडिस्ट्रीब्यूशन की बातें कर रही है, अपनी पसंदीदा वोट बैंक को देना चाहती है। क्या आप अपनी गाड़ी कमाई की संपत्ति को लूटने देंगे? आपने बचाया हुआ सोना चांदी लूटने देंगे? क्या आपके मंगलसूत्र पर किसी को हाथ लगाने देंगे? कोई पंजा आपकी संपत्ति लूट सकता है क्या? मैं कांग्रेस को अलर्ट करना चाहता हूं, ये मंसूबे छोड़ दीजिए, जब तक मोदी जिंदा है। ये आपके मंसूबे में पार नहीं होने दूंगा, ये आपके खेल, साथियों। इस चुनाव में कांग्रेस ने इनहेरिटेंस टैक्स का एक नया फॉर्मूला निकाला, ये बड़ा भयंकर है, आपकी नींद उड़ जाएगी। उन्होंने क्या कहा है कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी तो ऐसा कानून लाएंगे कि आप जो अपने बच्चों के लिए बचाते हैं, आपने मेहनत करके कमाया, खुद ने खर्चा नहीं की, मौज नहीं किया, थोड़ा 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 पैसा जमा किया और मन में रहता है कि मरने के बाद बच्चों को कुछ दे करके जाऊं, छोटा सा घर दे करके जाऊं, कुछ पैसे दे करके जाऊं, ताकि बच्चों को मेरे मरने के बाद किसी के पास जाना न पड़े। हर माँ बाप ऐसा चाहता है कि नहीं चाहता है? हर माँ बाप अपने बच्चों को कुछ न कुछ देना चाहता है कि नहीं देना चाहता? और इसलिए हर माँ बाप कुछ बचत करके रखता है कि नहीं रखता है? अब ये कांग्रेस वाले कहते हैं आपने जो बचाया है, अगर आप अपने बच्चों को अब नहीं दे सकते हैं, आपने जो बचाया है अगर बच्चों को देना है तो 55%
55% उस पर टैक्स लेकर के सरकार वो छीन लेगी। मतलब दो मकान है तो एक कांग्रेस की सरकार की जेब में और दूसरे से अपने दो बच्चों को बांट के दो। अपनी वोट बैंक को बांटने के लिए ये आपकी संपत्ति पर डाका डालना चाहते हैं, क्योंकि उनकी उनको ने घोषणा की है कि इस देश की संपत्ति पर पहला अधिकार किसका है, उनकी वोट बैंक का है। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी कह चुके हैं। मैं कर्नाटका के सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से देशवासियों को पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा होने देंगे, ऐसा कानून लाने वालों को आने देंगे, ऐसी सोच वाली कांग्रेस को सजा देंगे, इस चुनाव में हर बूथ में उनको चुन कुन कर साफ करेंगे।